सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष करकर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है, सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई तीन देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था।